झालावाड़ जिले के घाटोली मार्ग पर गाढ़ा हेड़ा नदी की पुलिया इन दिनों छात्र छात्राओं के लिए मुसीबत बनी हुई है। नदी को पार करने का जोखिम भरा सफर तय कर गांव के 40 से 50 बच्चे प्रतिदिन घाटोली कस्बे के में विद्या अध्ययन करने आते हैं। इसी प्रकार ग्रामीणों को भी रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए नदी पार कर घाटोली आना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि सांसद, विधायक तथा उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। छात्र छात्राओं के साथ कोई भी अनहोनी होने की संभावना सदैव बनी रहती है। अभी कुछ दिनों पहले ही यहां एक जुगाड़ के पलटने से लगभग 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बावजूद नदी के दोनों तरफ कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। नदी के पार प्राचीन शिवालय कैल खोयरा धाम प्रसिद्ध स्थल माना जाता है, जहां सावन महीने में दूर दराज तथा मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों के लोग दर्शन करने शिव मंदिर में आते हैं। कई बार नदी के बहाव को देखकर श्रद्धालु वहीं से मत्था टेक कर लौट जाते हैं। जालापाटन का निवासी हूँ, मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है। मैं जालापाटन से केलखुरा दर्शन करने आया हुआ था, लेकिन बीच में नदी होने की वजह से मैं वापस लौट रहा हूँ। मैं निराश हूँ, मुझे भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं हो पाए हैं। विद्यालय नहीं होने के कारण मैं रोजाना गांडोली पढ़ने के लिए आता हूँ, और यहाँ नदी आ जाती है तो हम जान जोखिम में डाल के निकलना पड़ता है।